Hello everyone, this is Alicia and I'm your coding instructor. So today we'll be starting with chapter number one, that is getting started with HTML. This is chapter number one of our HTML course. HTML is a part of web development only. It is actually the basic of the web development. So HTML kya hai? HTML basically stands for Hypertext Markup Language. Okay. Hypertext Markup Language kya hai? बेसिकली जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जितने भी हमारे बेसिकली वेब पेजेस होते हैं, दे आर रिटन इन दिस लैंग्वेज ओनली, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, लेट्स सी हाउ अ वेबसाइट इज क्रिएटेड. लेट्स सी एन एग्जांपल. सो यू ऑल नो हाउ टू मेक केक, राइट? फॉर मेकिंग केक वी नीड सर्टन इंग्रेडिएंट्स. हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि शुगर, फ्लावर, मिल्क, वाटर, एग्स, राइट? सो इन इन सब की मदद से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं. ऑन अ सिमिलर नोट, हमारे HTML में कुछ ऐसे टैग्स होते हैं, ओके, जिनकी मदद से हम अपने HTML कोड को लिखते हैं और HTML कोड को स्ट्रक्चर देते हैं. ओके, सो वी हैव सर्टेन टैग्स लाइक HTML टाइप, दैट इज हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, HTML doc type, PER, HR, you learn about all of these, okay? So, ये कुछ certain tags हैं जिनकी मदद से हम अपना HTML कोड लिखते हैं, okay? But देखते हैं ये exactly है क्या, okay? So, basically, ये सब हमारे tags हैं, tags in HTML. अब tag क्या होता है? Tag is something जो कि in angular braces के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है? हमारा HTML document हमेशा start होता है HTML tags. ठीक है, और HTML में दो तरीके के टैग्स होते हैं, ठीक है? एक तो टैग बेसिकली जो होता है उसमें स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है. कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जिसमें एंडिंग टैग, दैट इज ये जो बैक स्लैश और फिर HTML लिखा हुआ है, इस तरीके का नहीं होगा. उसमें क्या होता है, ऐसा कोई पार्ट ही नहीं होता है, केवल स्टार्टिंग टैग होता है, उसको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं. ओके, और हमेशा HTML जो टैग्स हैं, ऑल्दो ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, बट हम प्रेफर करते हैं कि हम इसे स्मॉल केस में ही लिखें, ओके, टू मेक इट लुक यू नो मोर गुड क्लीन एंड या इट्स द फॉर्मेट व्हिच वी फॉलो. ओके, नाउ हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट. फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट हम अपने HTML कोड को नोटपैड में लिखने वाले हैं, ठीक है? तो नोटपैड ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. आफ्टर दैट नोटपैड लिखना है. नोटपैड के बाद आपको ऐसे नोटपैड दिखेगा और उसके बाद यहाँ से ये चीज सिलेक्ट करनी है. इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि अपना HTML कोड लिखना है, ठीक है? HTML कोड आपको अपना यहाँ पर टाइप करना है. HTML कोड लिखने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको इसको सेव करना होगा, ठीक है? ये हमारा बेसिकली एक HTML कोड है, सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, ठीक है? हम अपने HTML कोड को HTML टैग से शुरू करते हैं, फिर हम हेड टैग देते हैं, टाइटल टैग, देन वी क्लोज द हेड टैग. टाइटल टैग इज कंटेन्ड बाय द हेड टैग, ओके? Then we start the body tag and then we close the body tag and after that we close the HTML tag. HTML ये सारे tags अभी हम अच्छे से बहुत ही detail में देखने वाले हैं, ठीक है? तो HTML tag basically क्या है? ये हमें बताते हैं कि हाँ, ये जो हमारा document है, अभी यहाँ पर एक HTML code आने वाला है, एक HTML code enclosed है इस document में, ठीक है? Head tag बेसिकली ये हेडिंग के लिए नहीं होता है, ये हेडर इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है. हेडर इन्फॉर्मेशन मतलब इसके अंदर कुछ मेटा टैग्स आते हैं और अगर हम कोई एक्सटर्नल फाइल लिंक करना चाहेंगे जैसे कि CSS या जावास्क्रिप्ट की, तो वो हमारी हेड टैग के अंदर आ जाती है. तो बेसिकली हेड हमारा कंटेनर होता है टाइटल का, कुछ लिंक्स का, कुछ और एक्सटर्नल फाइल्स का, ठीक है? टाइटल में हम जो वेब पेज का हमारा टाइटल है हम वो देते हैं यूजिंग टाइटल टैग. टाइटल टैग इज कंटेन्ड इन द हेड टैग, ओके? फिर हम बॉडी में क्या करते हैं, जो हमारा मेन वेब पेज कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या कॉन्टेंट आएगा, वो सब चीजें बॉडी में डालते हैं. तो अभी देखिए एक सिंपल सा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है? हम अपनी फाइल को जो हमने पेज लिखा था या हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम अगर लिखा था, लाइक यू कैन सी हियर एज वेल, ओके? यहाँ पे हम फाइल में जा करके, ठीक है, इसको सेव एज करेंगे, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर कोई भी नेम देंगे और आफ्टर दैट उस नेम में ही .htm या .html करके हम सेव करेंगे अपनी फाइल,
ठीक है, अब हमारी HTML कोड तो बन गया, अब हम इसे ब्राउजर में कैसे देख सकते हैं? फिर हमें क्या करना है, कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है, अपना अपना जो भी हम ब्राउजर यूज करते हैं, कि हम बिंग यूज किया, आप क्रोम यूज कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऑल्ट बटन जो है कीबोर्ड पे उसको क्लिक करना है। ओके, ऑल्ट बटन में हमें फाइल मेन्यू दिखेगा, ऐसे करके फाइल मेन्यू हमारे सामने आएगा, फाइल मेन्यू को ओपन करना है, ठीक है, यहाँ ओपन करके आएगा, यहाँ पर ओपन पे जाना है, और उसके बाद एक ऐसी पॉपअप विंडो अपीयर होगी हमारे सामने। यहाँ पे हम अपना जो भी नेम है, लाइक जो पूरा लाइक प्रॉपर एड्रेस, कि जो आपका कोड लिखा हुआ है वो नोटपैड में कहाँ सेव्ड है, एग्जैक्ट उसकी जो लोकेशन है हम वो डालते हैं, कि हेलो वर्ल्ड डॉट HTML करके हमने एक नोटपैड में प्रोग्राम बनाया था, ये बेसिकली किस फोल्डर के अंदर है, HTML के अंदर है, HTML किसके बुक्स के अंदर है, एंड सी ड्राइव पे। तो ऐसे करके जहाँ उसकी जो लोकेशन है एग्जैक्ट लोकेशन डालते हैं, देन वी प्रेस ओके। और इस तरीके से फिर हमारा देखिए एक वेब पेज सामने अपीयर हो रहा है ब्राउजर में, जो कि क्या है, हेलो वर्ल्ड। फाइन, एक ऑल्टरनेटिव वे भी है अपने HTML कोड को वेब पेज में देखने का। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ओपन द नोटपैड एंड टाइप द कोड, नोटपैड वही करना है, नोटपैड ओपन करके कोड को टाइप करना है, उसको डॉट HTML करके एक्सटेंशन के साथ कोई नाम दे करके सेव करना है। उसके बाद हमें राइट क्लिक करना है उसी फाइल पे, ओके, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन क्लिक ऑन ओपन विद ब्राउजर, उसी फाइल पे वहीं पर राइट क्लिक करना है और ओपन विद ब्राउजर करना है, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा वहां पे HTML कोड का अपने ब्राउजर। नाउ यू कैन सी सर्टेन थिंग्स गिवन ओवर हियर, जैसे कि ये हमारे देखे गए कि एक इमेज टैग है, कुछ टैग्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली एक इमेज टैग है, यहाँ पर एक इमेज इंसर्टेड है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें हम अपना टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। फिर ये है कुछ बटन्स, जैसे गूगल सर्च, आई एम फीलिंग लकी, ये कुछ सर्टन बटन्स हैं जो कि बटन टैग के अंदर आते हैं। हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक्स बेसिकली क्या होती है, कि इसको प्रेस करने पे कोई और वेब पेज ओपन होगा या कोई और साइट ओपन होगी, तो ये बेसिकली हाइपरलिंक्स है, ये हाइपरलिंक टैग होता है, उसके अंदर आता है। ओके, now let's discuss about attributes. Okay, we already got to learn about HTML tags. Okay, now अब हम समझेंगे कि attributes क्या होते हैं, right? So attribute का मतलब होता है quality of a certain thing. Okay, so जैसे कि ये apple है, like you can see ये क्या है, ये एक apple है, right? So apple का color क्या, हम ये apple तो है, the object is apple, but इस object का color क्या है, color है red. कैसे हम एट्रीब्यूट इंक्लूड कर सकते हैं, तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखिए बॉडी टैग स्टार्ट किया है, ठीक है, उसके बाद हमने एक बैकग्राउंड में बैकग्राउंड करके हमने एक इमेज डाली है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो एक एट्रीब्यूट के तरीके से वर्क करेगा। बीजी कलर है, दैट इज अगेन एन एट्रीब्यूट। आईडी बेसिकली उस बॉडी को हम किसी कोई एक नाम दे रहे हैं, कोई एक नेम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हमें इसको यूज करना होगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो हमने इसको एक नाम दे दिया, तो दैट इज द आईडी। सो दीज आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स, सो लेट्स डिस्कस ईच वन ऑफ देम। सो बीजी कलर क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर पूरे वेब पेज का उसे चेंज करेगा। सिमिलरली जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड क्या करेगा, बैकग्राउंड इमेज ऑफ द वेब पेज जो है उसे चेंज करेगा, जो बैकग्राउंड इमेज है हमारे वेब पेज की उसे चेंज करेगा। सिमिलरली आईडी जो है ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करने के लिए होता है, तो यहाँ पर हम बॉडी ही को एलिमेंट ले रहे हैं, इसलिए बॉडी एलिमेंट को आईडी टारगेट करेगा। सो इन टुडेज वीडियो वी लर्न सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू HTML, ओके, वी लर्न हाउ कैन वी सेव आवर फाइल्स, हाउ कैन वी क्रिएट आवर HTML डॉक्यूमेंट्स एंड देन सी दोज फाइल्स इन द वेब ब्राउजर, हम कैसे अपने फाइल्स को कोड करने के बाद हम वेब ब्राउजर में देख सकते हैं, ठीक है, क्या टैग्स होते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।